तो अभी हम आ गए हैं श्री मोटू राम प्रसादम रेस्टोरेंट है यहाँ। यहाँ की थाली जो है बहुत स्पेशल है, हर वैरायटी की थाली मिलेगी आपको। हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और ये मेरा जयपुर ट्रिप चल रहा है, इसका डे टू है। अब तक 4 वीडियो आ चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो आप 1x1 करके देख सकते हैं, और आई बटन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी, जल महल और सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, एल्बर्ट हॉल, आमेर फोर्ट। और आमेर फोर्ट को देखने के बाद बहुत चले थे हम लोग, तो भूख लगी थी। और आज का ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो फूडी हैं। और जयपुर खाने के मामले में लाजवाब है, काफ़ी तरह की वैरायटी, क्वालिटी ऑफ फूड्स आपको मिलेंगे। बहुत सारी मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जैसे रामचंद्र लस्सी वाला, और बहुत सारे कचौरी वाले हैं, जैसे कि रावत कचौरी वाले जो सिंधी कैंप के पास है, और दूसरा चांदपोल में है संपत कचौरी, आलू की कचौरी बेचते हैं जो, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप जल महल जाएंगे, ये आपको आमेर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट वाले रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ पे अभी एक होटल बन रहा है अंदर, लेकिन अभी विजिटिंग अलाउ नहीं है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सडनली मिल जाएंगी, जैसे मुझे पता नहीं था कि इस तरह का फेयर लगता है लोकल मार्केट जल महल के सामने। तो हम भी लोकल मार्केट वॉक किया आराम से, यहाँ पे बहुत सारी चीप चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरा कीजिए अपना शौक। क्या ले रहे हो आप? ये भैया ने नाइट लैंप है, और इसमें कैंडल लगाओ और इसको लगाओ और फिर जादू, फिर जादू, फिर कैंडल लाइट डिनर, कैंडल लाइट डिनर। मैडम लगा दो, डिनर लगाओ, कैंडल लगा दो। लोकल मार्केट के साथ इंडिया का स्ट्रीट फूड भी उतना ही फेमस है, और जल महल में आपको दोनों कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। रोड के इस तरफ लोकल मार्केट, और रोड के दूसरी तरफ आपको मिलेगा स्ट्रीट फूड। और जो छोले कुलचे हैं, वाह जी वाह। छोले कुलचे मेरे ख्याल से पंजाबी डिश है, लेकिन आजकल ये चाउमीन और मंचूरियन की तरह हर जगह मिल जाती है, और ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में तो आपको मिल ही जाएगी। आप मुझे बताइए अगर आपने कहीं के फेमस छोले कुलचे खाए हैं। हमको ये भाई साहब मिल गए, बहुत भीड़ लग रही थी, भूख भी लग रही थी थोड़ी, तो मेन खाना खाने से पहले थोड़ा सा स्नैक्स टाइप से पेट पूजा कर ले। और यही फायदा है जब आप खुद का स्कूटी लेके ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं भी रोक सकते हैं, कहीं भी लोकल चीज़ें घूम सकते हैं। और थोड़ा सा हमने सामने देखा तो एक हार्ट लगा हुआ था, और ये जो शिल्प कला केंद्र था, ये आप बोल लो कि हस्तकला केंद्र, जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने हाथों से चीज़ें बना के लाते हैं, जो गाँव में लेडीजें बनाती हैं, खासकर राजस्थान साइड में बहुत ज़्यादा ये काम होता है। तो हम भी देखने चले गए, जिसको राजस्थान हार्ट बोलते हैं। और बहुत सारे अच्छे अच्छे आइटम थे यहाँ पे। अगर आपको भी इस तरह की कुछ चीज़ें मिलती हैं तो आप ज़रूर विजिट करें। कंपेयर टू अगर आप आमेर फोर्ट वगैरह जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारी महंगी चीज़ें मिलेंगी, वही चीज़ें यहाँ पे सस्ते दाम में मिल जाएंगी। और हमने भी ये देखा, ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था कि आप पर्टिकुलर कोई चीज़ें देखें, अगर आपको कुछ डिफरेंट भी दिख रहा है तो लेट्स ट्राई। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडमेड काफ़ी सारी चीज़ें थी। हर चीज़ तो कवर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा, बट आपको कुछ चीज़ें दिखा देते हैं यहाँ पे। ये वैसे वेस्टेज मटेरियल से बनाई है। और फ्रेंड्स, ये लिया है खींचा, पापड़ बोलते हैं ये, और काफ़ी थिक है जो खाने का। आ हा हा, वाह वाह, एक और बाइट।
कैसा लगा? इसमें डाल दो चना जोर गरम, फिर तो देखो वाह भाई वाह। ये लोकल मार्केट का यही मजा है क्योंकि यहाँ पे चीजें रीजनेबल में मिलती है। सबसे और बड़ी बात है, प्लीज ठंड में, सर्दियों में आना, गर्मियों में तो बिल्कुल ना। और सर्दियों में लोकल मार्केट में आप शॉपिंग करो। ये देखो क्या जबरदस्त चीज है। तो फ्रेंड्स, शॉपिंग करने के बाद हम चल दिए अपने मेन लंच की तरफ। और क्योंकि मेरे जो साला था उसका बर्थडे है, तो उसको भी हमने इनवाइट किया उसके बर्थडे के लिए जयपुर की सबसे बड़ी थाली खाने के लिए। जी हाँ, जयपुर की सबसे बड़ी थाली मोटू राम जी की थाली। बहुत सुना था इसके बारे में, सी स्कीम में है ये थाली। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसी है ये थाली और कैसा है वो प्लेस। तो अभी हम आ गए हैं श्री मोटू राम प्रसादम रेस्टोरेंट है यहाँ। यहाँ की थाली जो है बहुत स्पेशल है, हर वैरायटी की थाली मिलेगी आपको, जिस तरह से आपको लेनी है। यहाँ पे बोर्ड है, आपको दिखाती हूँ मैं। तो आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से चूज कीजिए और अंदर जाइए, ऑर्डर दे दीजिए। चलिए अंदर कैसा रहता है देखते हैं। बस रुक जाओ। और फ्रेंड, जैसे ही आप मोटू राम प्रसादम में अंदर जाते हैं, इस प्लेस में आपको एक रिचनेस या आप बोल सकते हैं एक पॉजिटिव वाइब्स आने चालू हो जाती है। काफ़ी अच्छे से और वेल मेंटेन्ड ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पे बहुत आराम से खाना खिलाया जाता है, ज़्यादा कोई शोर शराबा नहीं है। और सी स्कीम वैसे भी पॉश एरिया है। और हमने जो थाली ऑर्डर की थी उसको बोलते हैं प्रसादम, जो यहाँ की सबसे बड़ी थाली है, और इसको बोलते हैं महाप्रसादम। और महाप्रसादम में कितने आइटम है सही बताऊँ तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि चार लोग भी इस थाली को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, चार लोग से ज़्यादा लोग चाहिए, हम तो तीन ही थे। और क्योंकि बर्थडे था मेरे साले का तो ये तो बनता ही है। चलिए उससे ही टेस्ट करवाते हैं पहले और देखते हैं क्या क्या आइटम है। भैया एक मिनट बताइए थोड़ा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। मैम तू भी कहो उससे, रिकॉर्डिंग उधर से कर। ओके, दाल, दाल, राइस, राइस, दही बड़ा, दही बड़ा, एक पराठा हो गया, खीर हो गया, ये एक क्या कहते हैं चटनी की सब्जी है, ये मलाई कोफ्ता, पापड़ के पूरी रहता, ये दाल हो गया, मलाई, दाल मखानी है, आलू प्याज चना मसाला, पनीर बटर मसाला, गट्टा मसाला, कढ़ी मसाला, पुलाव, मिर्ची की पूरा, लहसुन चटनी, घर के भुजिया, अचार, कबाबड़ा कबाब, आलू गोंदा, अचार, अचार मीठी अचार, ये चटनी, हरी चटनी, मीठी चटनी, ये लच्छा परोठा, तवा रोटी, तीन छाज, देसी रोटी, प्यार शांति खाना मेथी, ये क्या कहते हैं। चलिए भैया थैंक यू, आप पगड़ी दे दीजिए, हम पगड़ी लगा के खाएंगे इसको। मयंक आज आप टेस्ट करके बताओ, आज ताली का उद्घाटन आपके हाथ से हो जाए। पहले मिसी रोटी लग रहा है, चलो जो भी आपकी फेवरेट सब्जी हो। और अब मैडम बताएंगी हमारी, मैडम ओके आलू पराठा, वाह दही चाट के साथ। मैडम हमारी अलवेली हैं, उनका कॉम्बिनेशन भी दही चाट के साथ आलू पराठा, देखिए दुनिया में फर्स्ट रहे हो, दुनिया में फर्स्ट रहे हो। और यही है यूनिकनेस, इसको ही बोलते हैं कुछ अलग ट्राई करना। दाल चावल दाल कोई खाता है, दाल रोटी खाओ। और मैं अब आपको टेस्ट करके बताऊंगा ये पापड़ की सब्जी, क्योंकि बहुत यूनिक है, कम जगह मिलती है, और पापड़ की सब्जी बहुत ही यूनिक रहती है। हमारे जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे हमारा जो रसोईया था उससे हम रिक्वेस्ट करके बनवा देते। दाल का पापड़ ये, उसकी सब्जी बहुत ही मस्त लगती है,
कभी आप बनाओ घर पे। हाँ हाँ क्यों। और फिर हम पूरा हमारा लंच खत्म करने पर लग गए और फाइनली फीडबैक। फ्रेंड्स खाना पूरा पेट में और प्लेट खाली और खाना एकदम मजेदार है, जैसा नाम एकदम वैसे ही खाना स्वादिष्ट है और चार लोग खा सकते हैं। हम लोग तीन ही है तो काफी थोड़ी बहुत चीजें बच गई हैं, चार लोग के लिए बहुत परफेक्ट है। और आप आइए ट्राई जरूर करिए, इट इज अ मस्ट ट्राई प्लेस इन जयपुर। और मैं बताएंगी बाकी आपको रिव्यू, मैम प्लीज रिव्यू दीजिए आपका, पब्लिक वेट कर रहे हैं। मैम ने इतना खा लिया है कि बोल नहीं पा रही है। बोल नहीं पा रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा तो फ्रेंड्स इस वीडियो में केवल इतना ही, आज बस खाना ही खाना। और आप जरूर जाइए मोटू राम प्रसादम की थाली खाइए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी वो थाली, और कमेंट्स में मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।